फ्रेंड्स, इस वीडियो को शूट करने में काफ़ी ब्लूपर्स हुए हैं, कैमरामैन भी हराना है और मैडम भी साथ में है और मेरा भी गुस्सा है, तो वो आप सबको जैसा कि ब्लूपर हो रहा है ये आपको एंड में दिखेगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, ये जो दिखेगा ना वही वाला बेल आइकन, और ये जो हिला है ना वीडियो इसकी चिंता मत करिए, और लाइक तो करना ही है वीडियो को और शेयर भी करना है, ये सब तो खैर कहने की बातें आप लोग करेंगे ही। हे गाइस, हमारा सिल्वर बटन आ चुका है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सिल्वर प्ले बटन मिलने का जश्न दिखाया था और साथ ही हमने आपको हमारे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो वर्ल्ड्स बिगेस्ट पराठा की कमाई के बारे में बताया था। आज वक्त है आपको बाकी वीडियोस की कमाई बताने का। हमारा दूसरा वीडियो जो सबसे ज्यादा देखा गया वो था फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल वाला वीडियो, पहली बार आप हवाई यात्रा कैसे करें, वो वीडियो अब तक 1.8 मिलियन टाइम्स देखा गया है और इसी वीडियो से हमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, हमें लगभग 40,000 सब्सक्राइबर इसी वीडियो से मिले हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात रही इस वीडियो के चलने की वो ये थी कि YouTube पर कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं था, यानी कि बहुत सारे वीडियोस थे कि एयर ट्रैवल कैसे करें, लेकिन कोई खुद जाकर एक एक स्टेप एयरपोर्ट के अंदर बताए, इस तरह का एक स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियो नहीं था और इसकी कमी हमें नज़र आई। तो जब हम कलकत्ता ट्रैवल कर रहे थे तो हमने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि इस वीडियो को बनाया जाए। हालांकि जब इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं तो लोग एयरपोर्ट पर शाय हो जाते हैं कि कैमरे के सामने कैसे बोले, इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभिलाषा ने उस जगह बहुत अच्छा काम किया कि उसने बड़े आराम से कूली एक एक स्ट्रक्चर वे में उस पूरे वीडियो को बताया। मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की T3 पे खड़ी हूँ और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आप क्या क्या करें। और इस वीडियो की USP ये भी थी कि हम लोगों ने इसको एयरपोर्ट पर जाकर शूट किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर शूट किया, तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ दी वो लोगों को क्रेडिबल लगी। अब इस वीडियो से जुड़े टिप्स और आपको कमाई बताने का वक्त है। तो जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाइए जो बहुत पॉपुलर हो। भले ही वो वीडियो काफ़ी लोग बना चुके हो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ नया बताते हैं, कुछ बेहतर तरीके से बताते हैं, तो मान के चलिए कि आपका वीडियो चल सकता है। इस वीडियो से हमारी कमाई हुई है $1,00,000 व्यूज़ के $35, और पिछला जो पराठा वीडियो था उसमें हुआ था $1,00,000 व्यूज़ के $20। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग वीडियोस पर अलग अलग किस्म के रेट्स आते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा हमारा वीडियो देखा गया वो था थाईलैंड का रेलवे मार्केट। इतनी बगल में ट्रेन है कि घबराहट हो रही है। कैसा लगा? इस वीडियो को अब तक 15,00,000 बार देखा जा चुका है और इस वीडियो से हमें लगभग 16,000 सब्सक्राइबर्स मिले। दरअसल जब ये वीडियो शूट करने वाले थे उससे पहले ही हमें थोड़ा अंदाजा था कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यानी कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था इसी मार्केट का, जो इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा में आया था। तो जब हमने अपनी थाईलैंड ट्रिप प्लान की तो हमने ये इंश्योर किया कि इस जगह पर हम भी जाएंगे और हम भी ग्राउंड पर जाकर वो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लेंगे कि ये जगह वाकई वैसी है जैसी उस वीडियो में दिखती थी या कुछ अलग है। इस वीडियो की USP ये थी कि इसके विजुअल्स बहुत स्ट्रांग थे। एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो रोज लगता है, रोज वहाँ से 2-3 बार ट्रेन आती जाती है और बहुत टूरिस्ट हैं जो इस मार्केट को देखने आते हैं, तो इस वीडियो में ये खास बात थी। इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि ये वीडियो 73% सजेस्टेड वीडियोस की कैटेगरी में दिखाया गया, यानी कि यूट्यूब पर ये काफ़ी रिकमेंड किया गया, एल्गोरिथम इसे सपोर्ट कर रहा है। और अब इसकी कमाई बताते हैं। इस वीडियो के 1,00,000 व्यूज से हमें मिले $35। तो जो चौथा सबसे बड़ा वीडियो हमारा था वो था कुंभ मेले का। 2019 में मैं और मेरे फ्रेंड्स कुंभ मेला देखने गए थे। आज मैं पहुंच गया हूं इलाहाबाद यानी प्रयागराज के कुंभ, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कुंभ के ढेर सारे रंग।
और उस वीडियो को 5 लाख व्यूज अब तक मिल चुके हैं। हालांकि उस वीडियो से हमें सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं मिले, अब तक सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर मिले हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत जल्दी पिक हो गया था। तो उस वीडियो की यूएसपी ये थी कि कुंभ मेला एक बहुत बड़ा इवेंट था, उस टाइम न्यूज में भी चर्चा में था, सब लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी कुंभ मेला के बारे में जानने के लिए, इसीलिए इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उस वीडियो में बहुत व्यूज आए। आप लोगों के लिए टिप ये है कि जो भी करंट टॉपिक है, जो भी न्यूज़ आजकल चल रही है, जो भी इवेंट होने वाला है, उसको लेकर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा देखे जाने के चांसेस हैं। कुंभ मेले की इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट देखिए, फरवरी 2019 के मिड से लेकर एंड फरवरी या फिर मार्च की शुरुआत तक ही ये वीडियो देखा गया, उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। और जहाँ तक बात कमाई की है तो इस वीडियो से हमें 1 लाख व्यूज़ के सिर्फ $10 मिले। इस वीडियो से ये बात एक बार फिर साबित होती है कि अलग अलग वीडियोस के अलग अलग रेट्स होते हैं, यानी 1 लाख व्यूज पर आपको अलग अलग वीडियोस पर अलग अलग रेट्स मिलते हैं। हमारा 5th वीडियो जिसको सबसे ज्यादा बार देखा गया था वो है स्विट्जरलैंड ट्रैवल गाइड। स्विट्जरलैंड के टॉप पर आ गया हूँ, यानी कि यूरोप के टॉप पे हूँ। फाउंटेन और वाटर। इस वीडियो को 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं और इस वीडियो से हमें लगभग 9000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। इस वीडियो की भी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन अब ये एक स्टडी है, काफी लोग इसको अभी भी पसंद कर रहे हैं। तो इस वीडियो की सबसे बड़ी जो यूएसपी मुझे नजर आती है वो ये है कि ये इंफॉर्मेशन वाइज बहुत रिच वीडियो है और साथ में एक इसमें पर्सनल टच है, एक कनेक्शन है, ऑडियंस से एक इंगेजमेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे और हम अपने परिवार को इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग इससे जुड़ते हैं, वो भी चूंकि एक फैमिली होती है सबकी, इसलिए उनको एक जुड़ाव महसूस होता है। तो ऐसा कई बार सोलो ट्रैवलर्स जो होते हैं उनके साथ वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। इस वीडियो की कमाई जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो की 1 लाख व्यूज पर हमें $80 मिले हैं, यानी कि अब तक जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा। हालांकि व्यूज इसमें सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में विदेश से काफी एड आया है, इसलिए अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि 1 लाख व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वीडियो की कमाई फिक्स नहीं होती, इसलिए ये बात कहना बहुत मुश्किल है। अब मैं एक स्पेशल वीडियो का मेंशन करना चाहूंगी। वो वीडियो हमारे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो हमारा पहला वीडियो था जो चला था और उस टाइम हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, और वो वीडियो था स्विट्जरलैंड के यूंगफ्राउ की पहाड़ियों वाला वीडियो। दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड आ गया हूँ और आज हम जा रहे हैं टॉप ऑफ यूरोप यानी यूंगफ्राउ माउंटेन पर। शायद पूरे जीवन इसी दिन का इंतजार किया था। उस वीडियो से हमें अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और उस वीडियो से करीब 5,500 सब्सक्राइबर भी आए हैं। अब सीधे इस वीडियो की कमाई पे चलते हैं। इस वीडियो की 1 लाख व्यूज पर हमें $72 मिले हैं, यानी कि इससे साबित होता है कि फॉरेन के एड रेट्स भारत के एड रेट से कई गुना ज्यादा है। और अब चलते देखते हैं ब्लूपर्स। तो उस वीडियो को एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हो? ठीक है तो वहीं छोड़ दो, अब फिर बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं तो ठीक है। एक टीज़र छोटा सा है जो आप जरूर देखिएगा एंड आई होप कि ये वीडियोस कब देखिएगा? देखिए उसी वक्त दिखा रहे हैं हम। बस बात ये है कि इसके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर नहीं व्यूज हैं। व्यूज हैं और स्टिल रखो। हे गाइस सिल्वर। सो गाइस इस वीडियो के बाद अब हम लोग 2020 के पहले जो हमने थाईलैंड, सिंगापुर और फ्रांस में कुछ वीडियो शूट किए हैं उनकी एक सीरीज बनाएंगे और आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देखिए अभी एक छोटा सा टीजर। अभी हम लोग मरीना बे सैंड्स होटल की टावर 1 और 2 के वहां पर खड़े हैं।